हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिजीत और आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं फाइनेंस जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अगर आप भी 2020 में सोच रहे हैं एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए, तो एचडीएफसी बैंक आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक में कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, साथ ही साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है और आपको एचडीएफसी बैंक की सेविंग्स अकाउंट से क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाता है, सारे चीजें के बारे में आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, हमारा चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करें, नीचे जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जो वीडियोस हम आगे आने वाले टाइम पे अपलोड करेंगे उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप गूगल से भी एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और आप जैसे एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, तो आपको यहाँ पे थर्ड दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा सेव का, वहाँ आपको सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप जैसे सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग टाइप की सेविंग्स अकाउंट आ जाएगा। दोस्तों, आज हम सिर्फ रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको बाकी सारे जितने सेविंग्स अकाउंट है एचडीएफसी बैंक का, उनके बारे में अगर आपको जानना है, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, तो दोस्तों मैं इसके लिए भी और वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि दोस्तों मैं इन फ्यूचर जैसे वीडियो अपलोड करूंगा, तो इन सारे अकाउंट के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। आप जैसे ही नाउ मोर बटन पर क्लिक करोगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का कुछ फीचर्स के बारे में। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में आप किसी भी टाइप के अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप की फीचर्स मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला फीचर सबको मिलता है, वो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग डिस्काउंट का। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ज़्यादातर, तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलता है। यानी इसमें दोस्तों एचडीएफसी बैंक का बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपको आराम से दोस्तों डिस्काउंट एंड ऑफर्स मिल जाता है अगर आप एक ऑनलाइन शॉपर हो तो। यहाँ पे दोस्तों आपको जो सेकेंड बेनिफिट्स मिलता है वो ये है दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉकर्स मिल जाता है। यानी अगर आप दोस्तों यहाँ पे गोल्ड या कुछ भी चीज़ें आप लॉकर्स में रखना चाहते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इसका एक अलग बेनिफिट्स है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप का दोस्तों सेविंग फैसिलिटीज मिल जाता है। सपोज कीजिए आप कुछ भी चीज़ें सेव करना चाहते हो, जैसे दोस्तों सेविंग्स अकाउंट होते किस लिए, आप अपना मनी को सेव करते तो इसके लिए, तो यहाँ के साथ साथ दोस्तों आपको बहुत सारे अलग सुपर सेवर फैसिलिटीज एचडीएफसी बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड मिलता है। अगर आप दोस्तों मेट्रो या अर्बन लोकेशन से रहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेनिया डेबिट कार्ड मिलता है। और अगर दोस्तों आप कोई गांव या छोटे रूरल एरिया से है, तो वहाँ पे आपको रुपए का प्लेटिनम दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम जो डेबिट कार्ड आता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स एंड अलग अलग फीचर्स लोडेड होते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक की कोई भी अकाउंट पे आपको कैसा डेबिट कार्ड मिलता है, सारे डेबिट कार्ड दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट्स एंड फीचरेबल होते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मंथ यहाँ पे दोस्तों जो मेंटेन करना पड़ता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो आपका फ्री हो जाएगा। अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो डीमैट अकाउंट है दोस्तों, वो डीमैट अकाउंट को भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, तो आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आपको बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या और अदर बेनिफिट्स मिलता है। आपको यहाँ पे अदर बेनिफिट्स दोस्तों, जैसे एचडीएफसी बैंक का आप अकाउंट ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको 12,000 से भी ज़्यादा दोस्तों आपको एटीएम मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई चार्जेस की। साथ ही साथ दोस्तों एचडीएफसी बैंक की तरफ से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड दोस्तों फ़ोन बैंकिंग के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता है। अगर आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं, आप अपना करंट बिल या कोई भी चीज़ आप बिल पे करना चाहते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप अपना चेक पेमेंट को स्टॉप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें दोस्तों आप ऑनलाइन ही इन सारे चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। यानी दोस्तों आप एचडीएफसी रेगुलर बैंक अकाउंट के थ्रू आप ऑनलाइन जितनी भी फैसिलिटीज़ है उनको आप अवेल कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको अलग से मिल जाता है, जैसे आपको यहाँ पे फ्री में पासबुक और जो ईमेल स्टेटमेंट वो भी मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चेकबुक भी मिलता है एक साल के लिए, वो कि बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ दोस्तों चलिए अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। अगर आप एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले दोस्तों आपको रेसिडेंट होना चाहिए यहाँ का, यानी दोस्तों आप एक इंडियन होना चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप एचडीएफसी बैंक में रेगुलर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। ये आप दो तरह से कर सकते हो, ये तो दोस्तों एक सेल्फ ऑपरेशन, सेल्फ का मतलब कि आप सिर्फ अपने अकाउंट को ऑपरेट करोगे। दूसरा होता है दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट,
या ज्वाइन सर्वियर। तो इसमें क्या होता है कि आप आपके साथ आप किसी भी आपका मदर्स फादर्स या आपका वाइफ या कोई भी बंदे को आप अपना अकाउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो, इसको कहते हैं ज्वाइंट अकाउंट। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हिंदू अनडिवाइंड फैमिलीज, ये तो दोस्तों अलग बात हो गया। चलो अभी यहाँ पे और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, अगर आपका एज 10 साल से ज़्यादा है तभी आप इसको ओपन करा पाओगे। यानी दोस्तों ये माइनर के लिए अकाउंट नहीं है। अगर आप माइनर के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है HDFC बैंक में कैसे आप अपने बच्चे के लिए भी अकाउंट ओपन करा सकते हो। वो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आपको ऊपर में आई बटन पर दिख जाएगा। आप वहाँ से दोस्तों HDFC बैंक का जो चाइल्ड अकाउंट है उसके बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की, कि अगर आप HDFC बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कितना दोस्तों यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा बैलेंस। अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप एक अर्बन सिटी से है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा मंथली बैलेंस। और दोस्तों अगर आप सेमी अर्बन या दोस्तों आप गांव से है तो आपको यहाँ पे महीने का 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको हर महीने 5,000 रुपये यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मैं आपको इसका भी कैलकुलेशंस बताऊंगा कि ये यहाँ पे दोस्तों जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो 5,000 किस हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे 150 से लेके दोस्तों 600 रुपये की तक का आपको यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं। तो आप ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना, जैसे आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे HDFC बैंक में तो आप यहाँ पे जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके सो दोस्तों चलिए अभी हम बात करते हैं इसके अलग फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सर्विस एंड ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं अगर आप अपना जो बैलेंस है उसको आप मेंटेन करके रखते हैं तो। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जो फ़ोन बैंकिंग का फैसिलिटीज़ मिलता है और साथ ही साथ फ़ोन बैंकिंग का जो SMS अलर्ट एंड दोस्तों यहाँ पे बाकी सारे जो ईमेल अलर्ट्स आते हैं इसके लिए भी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा अगर आप अपना जो मंथली जो मेंटेनेंस चार्ज है दोस्तों उसको आप मेंटेन करते हो तो। चलिए दोस्तों आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप मेंटेन नहीं करते हो मंथली जो यहाँ पे मंथली आपको मेंटेन करना पड़ता है तो आपको यहाँ पे 150 से लेके 600 रुपये तक का आपको पेनल्टी लग सकता है। तो आप ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना, आप अपना अकाउंट का बैलेंस हमेशा मेंटेन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो चेकबुक होते हैं फर्स्ट टाइम आपको दोस्तों फ्री मिल जाएगा, 25 चेक का आपको फ्री मिल जाएगा फर्स्ट टाइम जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करोगे। उसके बाद अगर आप अपना चेकबुक को रिन्यू कराना चाहते हो यानी आप नया चेकबुक लेना चाहते हो उसके लिए आपको 75 रुपीज़ पर चेकबुक में आपको देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे अभी बात करते हैं बाकी सारे चीज़ें के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो कैश विड्रॉल है और जो कैश ट्रांजेक्शन है उसका भी कुछ लिमिट है। अगर आपके पास रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप 2.5 लाख तक आप फ्री में पर मंथ इस अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये दोस्तों ब्रांच ट्रांजेक्शन है, यानी अगर आप ऑफलाइन ब्रांच में जाके आप पैसा डिपॉजिट या पैसा विड्रॉ करते हो उसका लिमिट है। अगर आपके पास HDFC बैंक का नॉर्मल अकाउंट है और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है। 5 लाख 10 लाख भी आप ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये जो दोस्तों 2.5 लाख का लिमिट है ये सिर्फ ऑफलाइन ब्रांच के लिए है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो यानी अगर आप ब्रांच में जाके डिपॉजिट करते हो तो आपको 5 रुपये पर 1,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अकाउंट पे अगर आप बैंक में जाके डिपॉजिट या विथड्रॉ करते तो ओनली 2.5 लाख ही कीजिए। उसके ज़्यादा आपको करना है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगता है। दोस्तों यहाँ पे फ़ोन बैंकिंग का जो फैसिलिटीज़ है वो फ्री है, आपको यहाँ पे ATM कार्ड भी फ्री दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ATM कार्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे अपना जो कार्ड है दोस्तों ATM कार्ड वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे रेगुलर कार्ड आते हैं, रुपये प्रीमियम, इजी स्वॉप, बहुत सारे टाइप के अलग अलग कार्ड आते हैं, इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन आपको जो नॉर्मल कार्ड दिया जाएगा उस कार्ड का जो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा ATM कार्ड जो होगा। अगर आप अलग डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको चार्जेस लगेगा जो कि 150 रुपये से लेकर स्टार्ट होते हैं और जो सबसे हाईएस्ट कार्ड है दोस्तों वो 750 रुपये लगेगा आपका जैसे आप इस कार्ड को रिन्यूअल कराओगे तो। जैसे कि दोस्तों इसके लिए मैं बात कर लिया, अभी चलिए बात करते हैं ATM एंड डेबिट कार्ड का कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप HDFC बैंक का ऑफिशियल ATM से विड्रॉ करते हो तो 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलेगा, यानी आप 5 बार किसी भी ATM से HDFC बैंक का किसी भी ATM से आप फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप दूसरे किसी भी ATM से यानी दूसरे बैंक का ATM से अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे 3 दोस्तों यहाँ पे ट्रांजैक्शन पर मंथ में फ्री दिया जाएगा। अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो एक महीने में अंदर तो आपको यहाँ पे चार्जेस लग सकता है।
यहाँ पे दोस्तों जो इंस्टा पे अलर्ट, जैसे आपको अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, HDFC बैंक का ऑफिशियल ईमेल इंस्टा पे अलर्ट होते हैं। जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो या विदड्रॉ करते हो या आप डिपॉजिट करते हो तो आपके पास एक मेल इंस्टेंट आ जाता है कि आप इतने डिपॉजिट किया, इतना विदड्रॉ किया। यानी ये कस्टमर को दोस्तों यहाँ पे अलर्ट करने के लिए ये अलर्ट भेजा जाता है। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हो सकता है, अगर आप यहाँ पे आपके पास क्लासिक मेंटेन नहीं है, मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आप क्लासिक यूज़र नहीं हो, दोस्तों अगर आपको नहीं पता HDFC बैंक का क्लासिक बैंकिंग क्या है, उसका क्या बेनिफिट्स है, आप VIP फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हो तो क्लासिक बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको क्लासिक बैंकिंग के बारे में भी जानना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक और साथ ही साथ ऊपर में आपको आई बटन में दिख जाएगा क्लासिक बैंकिंग के बारे में, तो वहां से आप HDFC बैंक का क्लासिक बैंकिंग के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। यहां पे दोस्तों जो IMPS है इसमें आपको कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी तरह की ECS एंड AGS का रिटर्न लाएंगे तो यहाँ पे ₹500 दोस्तों आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप दोस्तों बात करते हैं कि आप HDFC बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे आप दो तरह से ओपन कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप ऑनलाइन इंस्टेंट ओपन कर सकते हो, और एक आप ब्रांच में जाके वहाँ से फॉर्म फिल करके और दोस्तों आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करके कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबसे पहले आपको KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए अपना पैन कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है वो देना पड़ेगा। आप अपना आइडेंटिटी के लिए वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए भी रेशन कार्ड या आधार कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन जाके ओपन कराते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक फोटो लगेगा, एक आपका पासपोर्ट साइज की फोटो और आपका जो KYC डॉक्यूमेंट्स। और दोस्तों आप यहाँ पे कितना इनिशियल डिपॉजिट करना चाहते हो वो, अगर ये तीन चीज़ आप लेके जाएंगे बैंक में तो आपका जो ये HDFC बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है वो आपको ओपन हो जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों वो आपको यहाँ से जैसे आपको नीचे दिख जाएगा ओपन इंस्टेंटली एक बटन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस बता रहे हो। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप बैंक में विजिट करके वहाँ से फॉर्म फिल करके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ओपन इंस्टेंटली बटन पर क्लिक करना है, और आप जैसे ओपन इंस्टेंटली बटन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, मैं चलिए एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, और आप जैसे मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे जो कैप्चा है उसको भी फिल कर देता हूँ, ओके। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई ऑथराइज बटन इस पर टिक करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और आप जैसे प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक OTP आएगा, और आप OTP देने के बाद आपका जो फॉर्म है वो प्रोसीड होगा। वहाँ पे आपको अपना नाम, आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, और दोस्तों आपको यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो, आपका एड्रेस, सारे चीज़ें आपको अच्छे से फिल करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, और आपका जो दोस्तों एक कॉल आएगा आपके पास एक एग्जीक्यूटिव तरफ से, वो आएगा आपके घर, या आप भी डायरेक्ट इस फॉर्म के थ्रू आप बैंक में जा सकते हैं ये एप्लीकेशन को दोस्तों आप प्रोसेस करने के लिए। या तो आप दोस्तों जो एम्प्लॉय कॉल करेगा आपको HDFC बैंक की तरफ से वो उसको आप घर में बुला सकते हैं। घर में बुलाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसको ओपन करा सकते हैं उसको दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो ये दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको आगे की प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मंथली मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, साथ ही साथ मैं आपको इंटरेस्ट रेट भी बता देता हूँ। अभी के टाइम पे अगर आप HDFC बैंक का किसी भी टाइप की सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो, अगर आप 50 लाख से कम बैलेंस रखते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर आप 50 लाख से ज़्यादा पैसा रखते हो तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अभी चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप अपना जो मंथली बैलेंस है उसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे। मान के चलो आपके पास सेविंग्स रेगुलर अकाउंट है, और अगर आप रूरल या गांव एरिया से है तो 5000 आपको मेंटेनेंस बैलेंस पड़ेगा, और अगर आप कोई सिटी मेट्रो सिटी से है तो आपको 10000 मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 5000 है, लेकिन आपको यहाँ पे 5000 मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो कि ये जो सितंबर के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान के चलिए सितंबर 2020 का एक तारीख आपके पास 2500 रुपये है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस, अगर आपके अकाउंट में 2500 रुपये बैलेंस एक तारीख को रहता है, अगर वो अगर पूरे महीने के लिए आप यहाँ पे जैसे सबमिट करके आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, और आप जैसे यहाँ पे एक तारीख से लेकर कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना है। और आप अगर 2500 रुपये यहाँ पे मेंटेन करते हो वहाँ से आपको लेकर 30 तारीख तक
तो आपके यहाँ के बीच में आपको 2500 से लेके 5000 का अमाउंट आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपको 5000 ही पर महीने आपको पर मतलब महीने में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा मेंटेन करना, ऐसा नहीं है। आप अगर अपना अकाउंट को यहाँ पर रेगुलरली यूज करते हो तो आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं कि आपको अगर आप अपना अकाउंट यूज नहीं कर सकते हो यानी आप अपने अकाउंट को ज्यादा यूज नहीं करते तो आपको यहाँ पे 5000 का जो बैलेंस है वो आपको हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अगर आप दिन में ट्रांजेक्शन करते हो या आप अपना बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, आपको इसके लिए अलग से कोई भी यहाँ पे मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारा चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हम इन फ्यूचर जितने भी सारे वीडियोस अपलोड करेंगे उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी आप सबके साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।